हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी अपनी बाड़ी यानी कि खेत में मैं क्या क्या लगा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ मम्मी चने की बुआई कर रही है और पापा पापा जो हैं वो हल चला रहे हैं। अभी चने की बुआई का सीजन है तो गांव में चने की बुआई हो रही है। और यहाँ मैं धनिया की बीज की बुआई कर रही हूँ। तो मैंने धनिया के जो बीज थे उसे मैं रात को ही भिगोने के लिए पानी में दे दी थी और उसके बाद सुबह कपड़े में लपेट के रख दिया था। और अभी मैं इसकी बुआई करूँगी ताकि ऐसा करने से जो धनिया के पौधे हैं वो जल्दी ही निकल आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ मैं कर रही हूँ धनिया की बीज की बुआई। ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, बस यही थोड़ी से एरिया में ही धनिया के पौधे लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं मिट्टी से बीजों को मिला दे रही हूँ ताकि ऊपर ऊपर में नहीं रहे और अंदर में हो जाए। उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी करके पानी डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी करके। डायरेक्ट पानी डालने से जो बीज है वो सभी ऊपर की तरफ आ जाएंगे, इस वजह से मैं हाथ की मदद से धीरे धीरे करके पानी डाल रही हूँ। और यहाँ में जो धनिया के पौधे हैं, सॉरी बीज हैं जो बोया हुआ, तो उसे मैं लकड़ी की मदद से ऊपर में ढक दूंगी, क्योंकि गांव में तो आप सभी जानते ही होंगे कि गांव में सभी कोई मुर्गा मुर्गी रखते ही हैं। तो अगर ऐसा नहीं कर दें तो जो मुर्गी है तो वो उखाड़ देती है। तो इस वजह से यहाँ मैं लकड़ी डाल दे रही हूँ ताकि ये सुरक्षित रहे और आसानी से पौधे निकल आए। और यहाँ मैं और मम्मी लगा रही हूँ टमाटर के पौधे। तो जो गड्ढा गड्ढा करके रखा हुआ है तो उसी में लगाऊंगी टमाटर के पौधे। तो इसमें पहले पानी डाल दे रही हूँ, उसके बाद लगाऊंगी ताकि ये आसानी से लग जाए।
बस यही जगह बाकी था, और उधर तो सब कुछ लगा चुकी हूँ, बस यही जगह खाली था, तो यहाँ टमाटर लगा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, मेरे सभी टमाटर के पौधे लग गए हैं, बस एक दो मम्मी के पास बाकी है, उसके बाद मैं सभी में पानी दोबारा करके डाल दूंगी। हम लोग का यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से घर के चापानल से ही पानी बाल्टी बाल्टी से ला के पटाना होता है सारे पौधे को। तो इसी तरह करके एक सप्ताह तक कम से कम पानी ला ला के सभी में देना होता है, उसके बाद पौधे लग जाएंगे, उसके बाद फिर पानी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो इधर देख सकते हैं, यहाँ धनिया लग गया है, और इधर जो बाकी स्पेस दिख रहा है तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि पालक लगाऊंगी, साग और लगाऊंगी, और ये सब जो भिंडी के पौधे हैं वो ये पुराने पौधे हैं, तो सभी को कट कर दिए हैं, ताकि जो इसमें है नया जो पौधे हैं वो निकल के और उसमें फल आते हैं, देख सकते हैं। और इधर जो चारों तरफ है तो साइड साइड में अरबी के पौधे लगाए हैं, और ये सेम है जिसे हम लोग गांव में सेम ही बोलते हैं। और इधर बैंगन के पौधे लगाए हैं, तो ये सब जब बारिश हो रही थी तभी लगाए थे, तो इस वजह से ये बड़े बड़े हो गए हैं, और इसमें देखिए फूल भी आ गए हैं, देख सकते हैं, बस फल आना बाकी है। तो देख सकते हैं अभी शाम का समय है और बहुत ही अच्छा मौसम था, देख सकते हैं, ज़्यादा धूप भी नहीं थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और काम करने में भी अच्छा लग रहा था। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप सभी को कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलती हूँ नए वीडियो में।